सियाराम जय जय सियाराम जय 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 सियाराम जय जय सियाराम सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री युगल सरकार की जय हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री रामायण जी की जय हो श्री रामायण जी की जय हो जय जय श्री सीताराम। आज सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा है कि आज इस छोटी सी कुटिया को पवित्र करने के लिए इतने महापुरुष पधारे हैं, है ना। एक कहावत है, बिल्ली के भाग में छींका टूट जाए, पघेल खंड की कहावत है। तो महाराज जी श्री राम कथा के लिए गाने के लिए आए और भाग्य हमें मिल गया। देखिए एक एक दिव्य महापुरुष दर्शन दे रहे हैं हमारे श्री महाराज जी। क्या नाम बताया? श्री रघुनाथ देशिक जी महाराज एक तरफ से, उधर हमारे श्री छपड़ौर वाले श्री महाराज जी सख्य पीठाधीश्वर, और आगे चलिए तो श्री प्रयाग पीठाधीश्वर। हम दोनों का मित्रवत संबंध रहता है, हमारे श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज, और आगे बढ़ जाइए श्री सुग्रीव पीठ के हमारे श्री महाराज जी श्री विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज, और श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज हमारे, और श्री रत्नेश जी हमारे। हम दोनों जिनसे व्याकरण की शिक्षा प्राप्त किए ऐसे हमारे श्री आचार्य जी, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि गुरुजनों का नाम लेना ठीक नहीं है, है ना। उनके चरणों में वंदन करते हैं। और हमारे अयोध्या की परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य विन्दु गद्याचार्य जी की परम पावन गद्दी को सुशोभित करने वाले आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी महाराज, जिस भूमि हजारों हजार भक्त नित्य भोजन करते हैं, गौ सेवा संत सेवा के लिए सुदामा कुटी प्रसिद्ध है। कहीं रोटी न मिल रही हो तो 12 बजे रात भी सुदामा कुटी पहुंच जाओ, वहां रोटी मिलेगी आपको, है ना। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद, ये परंपरा परम पूज्य आचार्य चरण स्वामी श्री सुदामादास जी महाराज ने प्रारंभ की और उस परंपरा को श्री चरण सुशोभित कर रहे हैं। हमारे द्वारे के आचार्य भी आचार्य चरण हैं, श्री नाभा द्वाराचार्य के रूप में आप श्री जगत गुरु नाभा द्वाराचार्य पीठाधीश्वर श्री सुतीक्षण दास जी महाराज, और जिनकी गोद में किलोल करने का सुंदर अवसर बचपन से प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु भाई जिनका नाम संपूर्ण भारत में नहीं विश्व में विख्यात है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की बलि देने की स्थिति तैयारी कर ली, ऐसे डॉक्टर श्री राम विलास दास जी वेदांती जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर
जिस पीठ से अयोध्या में ना जाने कितने लोगों ने संबंध पत्र प्राप्त किया है, ऐसे प्रसिद्ध पीठाधीश्वर स्वामी श्री जन्मेश्वरण जी महाराज आचार्य चरण और हमारे गुरु भाई डॉक्टर श्री रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी और हमारी दीदी श्री सुनीता जी, अन्य अन्य सभी दिव्य महापुरुष विभूषित हो रहे हैं और इनके लिए क्या कहेंगे, इनकी बड़ाई करेंगे तो लोग कहेंगे अपनी बड़ाई महाराज जी कर रहे हैं, है ना। शरीर से हम दो हैं पर वास्तविकता में हम दोनों एक ही हैं, है ना। गृहस्थाश्रम से देखें तो ये हमारे बड़े भाई, यहां देखें तो हम सब गुरु भाई, है ना। महाराज जी की रहनी बचपन से बहुत अच्छी थी, हम तो बहुत ही छोटे थे महाराज जी के सामने, हमारे शरीर के बड़े भाई साहब भी एक दो क्लास नीचे ही पढ़ते थे आपके साथ, है ना। डॉक्टर भारत साहब मिश्र इससे बहुत अच्छे विद्वानों में उनकी गणना है। तो महाराज जी के विषय में क्या कहें, और ये हमारा तो है ही नहीं, ये इन महापुरुषों का ही है और महापुरुषों की सेवा के लिए ही है, अपने राम जी अपने नहीं है, है ना। कल कान पकड़ कर कह दे ये महापुरुष के अब तुम जगत गुरु नहीं हो तो हम जगत गुरु बन जाएंगे क्या, यही है बनाए हुए हैं। अयोध्या में श्री राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जानते हैं अयोध्या में राम कथा जिस तरह से आपने सुनी है इसी तरह से श्री लोकुश जी के द्वारा प्रथम मार श्री राम जी महाराज ने स्वयं श्री राम कथा श्रवण किया है ना। और राम जी कोई सामान्य है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि, समस्त योग जिन दिन में रमण करते हैं, रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न होता है, रकारा जायते ब्रह्मा रकारा जायते हरि रकारा जायते शंभु रकारा सर्वशक्त्या, रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश न जाने कितने देवताओं का उद्भव होता है, उपजय जासु अंशति नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवान, और किशोरी जी उपजे जहासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी मां ब्रह्माणी श्री विदेह राजनंदिनी, जिनके लिए हमारे श्री महर्षि वाल्मीकि जी को कहना पड़ गया सर्व लक्षण संपन्न। विवेक आप गए नहीं, महर्षि वाल्मीकि आगे लिखते हैं न देवी न पन्नगी, उनके सामने कोई देवी नहीं है कोई पन्नगी नहीं है, अरे भैया वो उद्भव करने वाली है, आद्या शक्ति है आलादिनी शक्ति है। तो आपने श्री रामचरित्र सुना मानो श्री किशोरी जी का चरित्र सुना, श्री रामचरित्र में और श्री किशोरी जी के चरित्र में कोई अंतर नहीं है, महर्षि वाल्मीकि गा तो राम रामचरित्र रहे हैं पर क्या कह रहे हैं, सीताया चरितम महत्, मैं सीता जी का चरित्र गा रहा हूं। हम लोगों को रहने के लिए घर न जो बक्का बना के रखे हैं दिल्ली में बंबई में कलकत्ता में गुजरात में वो नहीं है हमारा घर। रामस्य अयनम रामायणम, श्री राम जी का घर कहां है, रामायण है, और रामायण है तो जहां राम जी हैं वही तो हमारा घर है ना। अगर हम राम जी के उसमें नहीं है, राम जी को पाने के लिए राम जी महाराज जी ने कथा सुनाई है, श्री रामस्य अयते प्राप्ति येन तद रामायणम, जिसके द्वारा श्री राम जी को प्राप्त किया जाए उस ग्रंथ का नाम रामायण है।
तो आप लोगों ने महाराज जी के मुख से रामायण कथा सुनी। रामायण नहीं सुना, राम जी को पाया है आपने। अयोध्या में यहां बैठे हैं, अयोध्या राम जी की तो गोद है, आप श्री राम जी महाराज की गोद में बैठे हैं। सरयू स्नान कर रहे हैं, सरयू में जल नहीं है। सरयू जी का नाम नेत्रजा है, प्रेम बारी है, अर्थात श्री राम जी के प्रेम जल में आप स्नान कर रहे थे। तो आप तो परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष और आज गुरु शिष्य का अनुपम जोड़ा दृष्टिगत हो रहा है ना। एक तरफ गुरुदेव भगवान और एक तरफ शिष्य के रूप में हमारे श्री महाराज जी। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सके मनमोरा। इन महापुरुष का प्रत्युपकार कर ही नहीं सकते हैं आप। 21,000 रुपए में या 25,000 में 15,000 में अयोध्या धाम वास कर लोगे आप। आपके 21,000 में दम है कि आप अयोध्या वास कर लोगे, राम कथा सुन लोगे? ये संत की कृपा पर दम है कि आपको लाकर के कथा सुनाया। आपके 2 रुपया से राम कथा नहीं होने वाली। भारत में करोड़ों लोग हैं, सबको राम कथा सुलभ हुई? सब लोग अयोध्या में राम कथा सुन रहे? नहीं सुन पा रहे। पर आप ऐसे महापुरुष को प्राप्त कर लिए हैं, उनकी कृपा हो गई है, इसलिए आपको राम कथा सहजता से सुलभ हो गई और अयोध्या धाम में सुलभ हो गई। बस ऐसे ही आते रहिए। और यह आपका आश्रम है, इन महापुरुषों की कृपा का ही आश्रम है। दास के पास तो कुछ नहीं। जब गुरु आश्रम को छोड़ा था तो हमारे पास 200 रुपए भी नहीं थे 2009 में, क्योंकि उसके पहले जो भी मिल जाता था सब गुरु आश्रम में ही समर्पित कर देते थे। 2009 के बाद ये सब हुआ। जब छोड़ने लगे तो गुरुदेव के चरणों में रोने लगे, गुरुदेव हम क्या करें, हमको तो हमारे मठाधीश कह रहे कि आश्रम छोड़ दो। कहा छोड़ना पड़े तो चिंता मत करना, राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी त्रिभुवनपति हो गए, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। आज इन महापुरुषों से बड़ा धन हमको क्या मिल सकता है? हमको कुछ नहीं चाहिए, इन महापुरुषों की चरण रज मिलती रहे बस हमें यही चाहिए, इनका आशीर्वाद। इसके अतिरिक्त हमें कोई वैभव की आवश्यकता नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की। मेरे पास शब्दावली नहीं है, अब मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में